की आंख से न्यूजीलैंड जलकर ध्वस्त। सूर्य कुमार यादव एक एक गेंद को अपने ही अंदाज में पारी का आगाज किया और जरा शतक। क्या है मैच का पूरा हाइलाइट्स, आइए मैं आपको एक एक गेंद दिखाती और बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही ये जो बगल में बेल आइकन का घंटा है इसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 सीरीज मैच खेला गया जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से परास्त किया। हमारे भारतीय टीम के बॉलरों ने कहर भर पाया। बॉलरों के अलावा हमारे जो भारतीय टीम के बैट्समैन थे जिन्होंने भी न्यूजीलैंड बॉलरों को छक्का छुड़ाते हुए 192 रनों का टारगेट रखा जिसमें ओपनिंग करने आए ईशान किशन और ऋषभ पंत कुछ खास नहीं कमाल कर पाए। ऋषभ पंत ने केवल 6 ही रन बनाए और पवेलियन लौट गए और ईशान किशन ने 36 रनों की पारी का योगदान दिया। इसके बाद आए तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव जिन्होंने आग लगाकर टीम को एक विशाल स्कोर पर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने पारी में 51 गेंदों में 111 रन बनाए जिसमें उन्होंने 7 गगनचुंबी छक्के और 11 चौके लगाए जिसके कारण भारतीय टीम का एक विशाल स्कोर खड़ा हो पाया और यह स्कोर 191 रनों का था और जवाब में न्यूजीलैंड को 192 रनों का टारगेट दिया जिसमें भारतीय बैट्समैन का योगदान पूरा पूरा रहा। और जवाब में जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आए तो बॉलरों ने कहर भर पाया और न्यूजीलैंड को ढा दिया और भारत ने यह मुकाबला 62 रनों से जीत लिया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों जो बैट्समैन आए थे उन्होंने कुछ कमाल नहीं कर पाए। केवल 2 बल्लेबाज ऐसे हैं, एक केन विलियमसन और दूसरा डेविन केनवे जिन्होंने 61 और 22 रनों का योगदान दिया जिसके चलते न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन से भी ऊपर जा पाया। वरना भारतीय गेंदबाजों ने तो न्यूजीलैंड बैट्समैनों को धराशाही करने में देर नहीं किया। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय टीम जो है आज अच्छा प्रदर्शन करके और करते हुए न्यूजीलैंड को बुरी तरह से परास्त किया है। और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड एक अच्छे खासे टीम है और यह टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल में अपना पहुंचकर सफर खत्म किया था। जिस प्रकार से भारत ने भी T20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल में जाकर हारी थी उसी प्रकार से ये टीम भी T20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल के सफर तक ही जा पहुंची, उसके बाद पाकिस्तान के हाथों हारनी पड़ी। वैसे आपको क्या लगा, सूर्य कुमार यादव का पारी कैसा लगा, आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें।